जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी, जहाँ हर मुसलमान को ज़रूर आना चाहिए। सबसे पहले हम जा रहे हैं अभी द प्योरेस्ट वाटर इन द वर्ल्ड पीने के लिए। इधर मौत आना भी नसीब है। नसीब की बात है कि इतनी पाक जगह में उनकी मौत हो। आप करोड़ों रुपए भी क्यों ना लुटा दो, ये जो सुकून है ना कहीं नहीं मिलेगा। मैं लिटरली कांप रहा हूँ, ना मेरे से खड़ा जा रहा है ना मेरे से बैठा जा रहा है। आई एम लिटरली शिवरिंग हियर गाइस। फीलिंग ना एहराम पहनने के बाद, ये एक इंसान, बड़ा इंसान। स्टे ट्यून, दिल थाम के रखना। मेरा तो दिल धक 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 कर रहा है। बस दिस इज एन एंड ऑफ द अर्थ और यहाँ पे हमारे फैसले हो जाएंगे। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका आदिल खान दुरानी, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक टूर पे आया हूँ मैं, 3 दिन मदीना शरीफ और 3 दिन मक्का शरीफ। तो आज आया हूँ मैं मदीने में। चलो मैं मेरे पूरे फैंस और मेरे चाहने वालों को मैं चाहता हूँ मैं मदीना शरीफ दिखाऊँ, एक्सप्लेन करूँ कि सफ़र कैसा होता है। स्टार्ट टू एंड मेरे साथ रहो, उसके बाद 3 दिन का सफ़र करूँगा मैं मदीना, इसके बाद मैं जाऊँगा मक्का जहाँ पर मैं उमरा पूरे करूँगा, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला पूरा परफॉर्म होने के बाद बताऊँगा कि क्या रहा, कैसे रहा, चीज़ें कैसे हुई, सब कुछ। और सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए, चलो आपसे मैं दिखाना स्टार्ट करूँगा, मैं अम्मी अब्बा को भी मिल रहा हूँ। आफ्टर एक अरसे बाद हमने डेस्टिनेशन बनाया था कि हम मदीना आए और आके मैं अम्मी अब्बा से मिले। यहाँ की टाइमिंग बहुत अलग है, यहाँ पर असर होती है 3:15 बजे, फजर होती है 5:35, मगरिब होती है ऑलमोस्ट 6 बजे और इशा हो जाती है 7:15 बजे मदीने की टाइमिंग। गाइज मैं इतना खुश हूँ, इतना ब्लेस जब वॉक करके जा रहा हूँ, जो मुझे सुकून मिल रहा है अंदर से, जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी, जहाँ हर मुसलमान को ज़रूर आना चाहिए। अल्लाह सबके तकदीर में वो नसीब दे कि सब लोग आए उमरा करें और उनको एक ना एक दिन मरने से पहले मदीने शरीफ ज़ियारत हो जाए। गाइज आई रियली कैन नॉट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम। चलो ये देखो ये नज़ारा देखना से। तो गाइज ये है हमारी एंट्री, ये है सामने जो दिख रहा है वो है गुंबस। सबसे पहले हम जा रहे हैं अभी द प्योरेस्ट वाटर इन द वर्ल्ड पीने के लिए, आबे जमजम। पहले जाएंगे, एक गिलास भर के मुझे पीना है जमजम का पानी। मुझे भूख भी लग रही थी, भूख के बाद मैंने खाना खाया, उसके बाद मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं पिया, बिकॉज मेरा पहला खतरा मैं शुरू करना चाहता था जमजम से। तो मैं अभी जा रहा हूँ जमजम पीने। आई रिपीट अगेन, प्योरेस्ट वाटर इन दिस वर्ल्ड, उसकी जो करामतें हैं, उसकी जो फजीलत है। गाइस मैं सच में दुआ करूँगा हर एक मोमिन मुसलमान की जो भी पैदा हुआ है कि उनको एक बार मक्का मदीना शरीफ नसीब हो उनकी ज़िंदगी में। जो यहाँ की फील है, हर एक मुसलमान मैं चाहता हूँ आए, ये फील मिले, नमाज़ पढ़े, उनको जन्नत नसीब हो, जन्नत के टुकड़े में नमाज पढ़ना नसीब हो। सो इमोशनल कमिंग हियर। तो गाइस अब जो मैं आपको दिखाने जाने वाला हूँ वो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक। मैं चाहता हूँ मेरे ज़रिए आप लोग देखें, दरूद पढ़ें और जो भी आपके दिल में दुआ हो, जायज़ दुआ, प्लीज़ मांगें। तो गाइस ये है रोज़ा मुबारक। गाइस दुआ मांगना जो भी आपके दिल में है, जो कमी नहीं आ पाए आपकी तमन्ना है, इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला आपको ज़रूर नसीब करे यहाँ पे आना। सिर्फ रोज़े पाक के सामने बैठो और इसको देखो और दुआ मांगो, दरूद पढ़ो, इसका सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। गाइस किबले की तरफ मुंह करके, ये है किबला, और किबले की तरफ मुंह करके मैं पी रहा हूँ आबे जमजम। मेरा पहला से बाबे जमजम का, और मैं चाहता हूँ, मैं ये दुआ मांगना चाहता हूँ कि हर मोमिन मुसलमान को मक्का मदीना हज उमरा नसीब। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ जन्नतुल बकी, जहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी फैमिली दफन है। मैं जा रहा हूँ हुजूर का तहज्जुद नमाज पढ़ूंगा और आपको भी दिखाऊंगा जन्नतुल बकी। हाँ मैं क्या जो बोल रहे थे मुझे 100% पता है, ये बोलने वाले थे कि लंबा है नहीं चला जा रहा है। गाइस क्या खूबसूरत मस्जिद है, दिल तो करता है इधर ही रहो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसकी भी मौत मदीने में हो और उनको इधर लाके दफनाएंगे
तो वो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली में गिने जाएंगे। कितनी बड़ी बात है गाइस, इधर मौत आना भी नसीब है। कितनी पाक जगह में उनकी मौत हो, पूरी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली है गाइस। कबूतर को दाना डालना बहुत सवाब का काम है गाइस। अभी हम जाएंगे, मैं भी कबूतर को खाना खिलाऊंगा। माँ आयशा की कब्र, आप करोड़ों रुपए भी क्यों ना लुटा, ये जो सुकून है ना कहीं नहीं। गाइस मस्जिद नबवी के अंदर देखो, द ब्यूटी ऑफ द मस्जिद, लोग खूबसूरती देखो मस्जिद की। लोग मगरिब की नमाज के लिए, अजान के लिए वेट कर रहे हैं बैठ के। मगरिब और इशा की नमाज का सिर्फ 20 मिनट का दरमियान है, पूरे लोग बैठ के वेट कर रहे हैं और मैं भी वेट कर रहा हूँ अजान के लिए। ये देखो लोग आते हैं सवाब कमाने के लिए, खाना देके जाते हैं। मैं भी लेता हूँ इनसे। टाइम टू रीड सम कुरान, चलो कुरान पढ़ते हैं, अजान के बाद नमाज पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। गाइस आप लोगों को मैं अजान सुनाना चाहता हूँ। अजान क्या खूबसूरत अजान देते हैं ये लोग, देखो। दिसंबर के महीने में आया हूँ मैं, दिसंबर जैसा मेरा बर्थडे के बाद बर्थडे फिनिश करके मैं आया हूँ। मैं क्या ही बताऊँ, इतनी ठंडे, मैं लिटरली काँप रहा हूँ। यू कैन सी माई फेस, मैं लिटरली काँप रहा हूँ, ना मेरे से खड़ा जा रहा है ना मेरे से बैठा जा रहा है। आई एम लिटरली शिवरिंग हियर, इट्स माइनस डिग्री हियर फजर में, तो बिल्कुल बहुत 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 ठंड लग रही है मुझे। बट एनी विच वेज, फजर पढ़ूंगा, फजर के बाद थोड़ी ज़ियारत करूँगा, ज़ियारत के बाद आई गो बैक टू माई रूम। अज़ान हो रही है फजर की, फजर का वक्त है, माहौल देखो। I'm gonna really, really, really miss all this once I go from here. आज मैं मक्का जा रहा हूँ, मदीना की गलियाँ, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के लोग, हुज़ूरे पाक का रोज़ा। I'm gonna miss all of this today. इसकी खूबसूरती, I'm really telling you, बस बहुत मिस करूँगा guys. ये जो लोग, नमाज, रौनक हर इंसान के चेहरे में। तो गाइस दिस इज़ हाउ वी लुक इन एहराम, आई एम सो हैप्पी। अब हम जा रहे हैं मक्का और आई एम प्राउड मेरे भाई ने मुझे एहराम बनाया है। आई लव यू, इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी इन एहराम ऑल्सो एंड ही इज़ मेकिंग मी डू नाउ। लेके जा रहे हैं हर चीज़, अरकान सब सिखाने वाले हैं मुझे। आई एम सो हैप्पी आई एम गोइंग टू मक्का। फीलिंग अलग होती है यार गाइस, फीलिंग ना एहराम पहनने के बाद, जहाँ से दीन शुरू हुई है, आई एम गोइंग टू जन्नत काबा, आई एम सो एक्साइटेड टू सी दैट कपड़े। तो गाइस पहुंच गया मैं मिकात, जहां से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नियत की थी उनके उम्रे की। मैं इधर पहुंचा हूं, तो जस्ट वजू बनाया है मैंने, अभी मैं मस्जिद के अंदर जा रहा हूं, अभी जाके मैं करूंगा नियत इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट आपको मैं जाऊंगा काबेतुल्लाह के साथ, जब मैं जाऊंगा आपको दिखाऊंगा। जो भी आपके मन में तमन्ना हो, जो भी दुआएं हैं आप मांग सकते हो। मैं चाहता हूं सब मेरी फैमिली, मेरे फैंस, मेरे हर लोग जो भी मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरे सपोर्टर्स हैं, उन सब जो भी उनके मन में वो मांगे और सबको मक्का मदीना आना नसीब हो। गाइस ये देखो हर इंसान एहराम पहन के उमरा के लिए तैयार, खुश। ये एक इंसान, बड़ा इंसान, बड़ा एहराम पहन के एकदम तैयार उमरा के लिए। गाइस मदीने से मक्के का सफ़र है बाई कार, तो अभी उतरा हूँ खाना खाने के लिए, आई मीन अलबे। अभी खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद डायरेक्ट मक्का। मक्का और भी अभी 3 घंटे बाकी हैं, आफ्टर ट्रैवल फॉर 3 आवर्स। तो गाइस आई एम गोना शो यू जिंदगी की सबसे बड़ी चीज़ इन अदर 5 मिनट्स। स्टे ट्यून, दिल थाम के रखना। मेरा तो दिल धक 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 कर रहा है, दिल बिल्कुल थाम के रखना। ऐसी कुछ चीज़ दिखाने वाला हूँ, आप खुद सोचोगे
मेरे पास अल्फाज नहीं है, ठीक है, मेरे पास बिल्कुल भी अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ। होल्ड योर सेल्फ, वेट। तो गाइस मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ काबा। प्लीज़ जो भी आपके दिल में दुआ हो, देखो, मांगो। सबसे पहले मैं नीचे दिखाना चाहूँगा, फिर मैं ऊपर दिखाऊँगा। गाइस ये है काबा। जो भी आपकी जायज़ दुआ हो, मेरे फैंस, मेरे लोगों की सबकी दुआ कबूल हो। जो भी आपके दिल में ख्वाहिशात हो उसको मांगो। अल्लाह ताला करे आप सबको उम्रा आने की, हज करने की तौफीक मिले। गाइस मैं सच में नहीं बता सकता ये फील, काबा, लोग, ये जो तवाफ। ये जो तवाफ हो रहा है काबे के अतराफ, ये मस्जिद जन्नत है गाइस। दिस इज जन्नत। इसी के लिए हम लोग पैदा हुए थे, इस दुनिया में आए थे। आखिरत, मौत, हयात, सब कुछ आपको याद आ जाएगा गाइस। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं दुआ करता हूँ हर मोमिन मुसलमान को, मेरे भाइयों और बहनों को हज और उम्रा नसीब हो। हज और उम्रा नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्रा खत्म होने के लिए सफा मरवा इज इम्पोर्टेंट। नाउ आई एम इन सफा मरवा। सफा मरवा के 7 राउंड लगाना है, तो लगा रहा हूँ 7 राउंड। तो गाइस कल उम्रा कंप्लीट हो गया मेरा, आज मैं जा रहा हूँ हरम तवाफ करने के लिए। मिनिमम डिसाइड किया हूँ आज 6-7 तवाफ तो करूँगा ही करूँगा, सबके नाम से, बड़े बुजुर्गों, मेरे घर वालों के नाम से आज मैं करूँगा तवाफ। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी दे और मेरा दिन अच्छा जाए। तो डे 2 है मक्का में, आज करूँगा तवाफ और कल इंशाल्लाह दोबारा करूँगा एक और उम्रा। तो बेसिकली इंशाल्लाह उम्मीद है कर रहा हूँ मैं 2 उम्रा और आज करूँगा तवाफ। आज एज मच एज पॉसिबल तवाफ करूँगा, कितने तो डिसाइडेड ही है लेकिन कितने होंगे उतने ज़्यादा तवाफ करूँगा। गाइस ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये क्लोथिंग में कैसा दिखाऊँ, कमेंट करके बताना, ठीक है। सो दैट अच्छा लगा तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह एवरी फ्राइडे ऐसे कपड़े पहनूँ मैं। कमेंट करके बताना, ओपिनियन देना, मुझे लगता है मैं अच्छा लग रहा हूँ इसमें, बट आप लोगों की ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, मुझे ओपिनियन देना कि मैं कैसे लग रहा हूँ। ये खूबसूरती देखो इस मस्जिद की, ये है टूर मक्के की मस्जिद की। अगर हमने काबा देख के नहीं की तो क्या ही। चलो जाके देखते हैं सबसे पहले काबा, काबा को सलाम पेश करते हैं, फिर जाते हैं असर की नमाज। देखो इस खूबसूरत काबे को और मांगो जो भी आपके मन में आता है, दुआ मांगो, इंशाल्लाह ताला हर दुआ को, जितना मर्जी पेट भर के आप पी सकते हो, समझो कोई पाबंदी नहीं है। वजू बनाओ, सर पे लगाओ, बाल धो, और जितना मन मर्जी पेट भर के पियो, समझो कोई पाबंदी नहीं है। एस्केलेटर यूज़ करके ऊपर जा रहा हूँ मैं नमाज में, असर पे जा रहा हूँ मैं। असर इज़ 317 यहाँ पे,
तो अभी जा रहा हूँ मैं असर पढ़ने, असर पढ़ के जैसे मेरा होता है तो मैं निकलूँगा तवाफ पे और करूँगा तवाफ। चलो गाइस शुरुआत करते हैं जमजम से। गाइस आज थोड़ी मैं ज़ियारत में आया हूँ, मक्के की ज़ियारत में, तो ज़ियारत कर रहे हैं तो मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पे हम किसी को याद नहीं रखेंगे, ना बाप ना माँ ना बहन, सिर्फ करेंगे या नफसी ना बीवी, सिर्फ करते रहेंगे हम या नफसी, कोई भी चीज़ से हमें लेना देना ही नहीं होगा, सिर्फ बोलते रहेंगे या अल्लाह हमें बचा, हमें बचा, हमें माफ़ी दे और हमें माफ़ी दे। तो गाइस ये है जगह, आई क्लाइम्ड अप, ऊपर आया हूँ मैं, अभी देखो प्रॉपर व्यू, और ये है वो पिलर जहाँ पे उन्होंने सिजदा करके मांगा था और उनकी दुआ कबूल हुई थी, माफ़ी कबूल हुई थी। ये पहाड़ कुछ भी नहीं रहेगा, जिस दिन सूर फूका जाएगा सब रुईं की तरह उठ जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। गाइस स्ट्रेंज ना हमारी ज़िंदगी में, पैसे दौलत शौहरत कमाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, लाइम लाइट, बट एंड ऑफ द डे दिस इज़ द प्लेस, यहाँ पे हम उठेंगे, यहाँ पे बस दिस इज़ एन एंड ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे हमारे फैसले हो जाएंगे, जो किया है की भरपाई इधर पे होगी। जो भी माफी मांगना है प्लीज मांगो, हमारे आदम अलैहिस्सलाम की माफी कबूल हुई है, इंशाअल्लाह ताला हमारी भी माफी जरूर कबूल होगी, मैं खुद भी जाके माफी मांग लेता हूँ, लेट मी आल्सो स्पेंड सम टाइम, जो भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं अल्लाह मुझे माफ करे, और मैं मेरे पूरे फैंस के लिए भी दुआ करता हूँ कि उनकी भी हर एक दुआ कबूल हो और माफी करो। हशर का मैदान गाइस, उनकी दुआएं पूरी कर लें, सबके लिए दुआ मांगता हूँ कि सबको उमरा और हज नसीब हो, इन जगहों पे आके विजिट कर पाए, मैं सबके लिए दुआ करूँगा, दौरा का नफिल नमाज भी पढ़ूंगा। गाइस अब जो मैं दिखाने वाला हूँ वो है मस्जिद निमरा, जो सिर्फ साल में एक ही बार की इधर नमाज होती है, उसके बाद साल के 12 महीने ये मस्जिद बंद रहती है, जब हज होता है हज के बाद जो एक नमाज के लिए खुलती है ये मस्जिद, और साल के 12 महीने ये मस्जिद बंद रहती है। ये देखो मस्जिद निमरा, जब आप हज के लिए आते हो, जब आप परफॉर्म करते हो हज के बाद ईद की नमाज पे, सिर्फ एक दिन के लिए ये मस्जिद खुलती है, एक ही नमाज के लिए, और साल के 12 महीने ये मस्जिद बंद रहती है। भाईजान बताइए मस्जिद के बारे में। और साल के 12 महीने बंद रहती है, साल के 12 महीने जिन्नात रहते हैं। आज मेरी आखिरी नमाज है मक्के में,
अलविदा कहने का वक्त हो गया है मेरा, तो जा रहा हूँ अलविदा की नमाज़ पढ़ने। तो कंप्लीट हो गया मेरा उम्रा और रवाना हो रहा हूँ मैं मुंबई। मेरा आखिरी ये कहना है, मैं चाहता हूँ हर मेरे भाई, मेरे फैंस, सब लोगों के लिए मैंने बहुत दुआ की है, सब लोगों को उम्रा नसीब हो, मक्का मदीना आना नसीब हो। टेक केयर गाइस, आई लव यू ऑल, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी, मी योर आदिल खंदुरानी, आई लव यू। हाय गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा ख़त्म, उम्रा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मदीना उम्रा तवाफ सब ख़त्म करके अब जिद्दा एयरपोर्ट में हूँ मैं। तो बैक टू ग्राइंडिंग, मुंबई आ रहा हूँ मैं, कल से बहुत सारा काम है मुझे, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था वापस आने का। जो खूबसूरती, जो वाइब, जो चीज़ें हो रही थी, जो अच्छा लग रहा था, जो भी हो रही थी चीज़ें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट मुझे वापस आना है और मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा इधर और पूरा मक्का एक्सप्लोर करूँगा और मदीने भी एक्सप्लोर करूँगा दोबारा। तो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, आई एम गोइंग बैक, मुंबई आ रहा हूँ। तो यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा व्लॉग। स्टे ट्यून, कीप लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी, मिस यू एंड सी यू ऑल।